एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस व्लॉग इज़ अबाउट डे वन आफ्टर माय नीट एग्ज़ाम। सो बेसिकली एग्ज़ाम होने के बाद हम सब कंप्लीट फ्री हो जाते हैं, है ना। तो बस वही मैं इस टाइम को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना चाहती थी। काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा था एग्ज़ाम होने के बाद भी, मुझे लाइट फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं डिसाइड की कि मैं थोड़ा मंदिर होकर चली आती हूँ, क्योंकि वहीं पे थोड़ा शांति मिलेगा। इसलिए मैं, मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी वो साक्षी, दोनों डिसाइड किए कि मंदिर चलते हैं। तो मुझे पहले वाला ड्रेस जो है वो थोड़ा सा लूज़ पड़ रहा था, इसलिए मैं सेकेंड में ये ट्राई की। और फिर जब मंदिर जा रही हूँ तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल आउटफिट तो बनता है, और उसके साथ में झुमका और काजल और बिंदी ना हो तो अधूरा। और ये बड़ी अच्छी बात कही है, इसलिए मैं ये सब थोड़ा सा करते हुए डिसाइड की कि अब हम चलेंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम के बाद क्या करते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले कि मैं क्या करूँ। क्योंकि अभी जब तक रिज़ल्ट ना आए, मतलब नीट एग्ज़ाम के होने के बाद 1 मंथ बाद ही रिज़ल्ट आता है, तो तब तक मैं कंप्लीट फ्री रहूँगी। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, है ना। सो मंदिर में जाने से पहले क्या होता है कि हमें चप्पल उतार देना होता है अपना, एंड उसके बाद हैंड भी धो लेना होता है चप्पल टच करने के बाद। यहाँ से हम प्रसाद लिए, बस ये है हमारा मंदिर का एंट्री गेट, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब है ये मंदिर इतना बड़ा है कि यहाँ पे वो जो होते हैं ना, जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कंप्लीट साधु हो जाते हैं उन सब का, जितने भी पंडित लोग होते हैं उन सब का यहीं पे खाना बनता है और भोग लगता है, फिर वो खाना खाते हैं फिर। तो इसलिए हमने क्या बोला कि प्रसाद और चुनरी लेकर मंदिर में एंट्री कर लेती हूँ। मंदिर काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे भगवान हैं इनके अंदर, तो इसलिए हमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। इसलिए हमें पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया गया कि पहली बात कि अंदर में आप मोबाइल नहीं ले, मतलब मोबाइल से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, और दूसरा कि अच्छा है ये तो कि आराम से आप पूरे अच्छे से मन से, मतलब बाद में मैं भूल जाती हूँ बोलना। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और देखते रहो, क्योंकि आने वाला टाइम में आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ कनेक्ट होके। दोनों काफ़ी थक चुके थे, दोपहर का बज चुका था 1, और मैं भी कुछ नहीं खाई थी सुबह से, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पेट में क्रेविंग हो रही थी। तो हम दोनों डिसाइड किए कि अचानक तो खाना ठीक नहीं होगा ना हैवी खाना, इसलिए कहीं पे रास्ते में अगर हमें मिल जाएगा गन्ने का ठंडा ठंडा जूस मतलब पुदीना और आइस के साथ, तो हम ले लेंगे उसे। तो हाँ, लकली हमें रास्ते में मिल गया, और फिर हमने उसका सेवन किया, मतलब कि उसको लिया, पता नहीं पिया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें तरबूज मिलेगा तो वो भी ले लेंगे, फिर वो लेकर हम वापस आ गए।